राधे राधे दोस्तों, कुकुमित उपासना मिश्रा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी बीन्स आलू की सब्जी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बीन्स आलू की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम बीन्स ली है। हमने बीन्स को धो के किनारे कट करके बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है। आप बीन्स को छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हैं। साथ ही दो कटे हुए आलू लेंगे। हमने आलू को धो लिया है। गैस पे कढ़ाई रखेंगे, 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है, लेकिन आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, आलू डालेंगे। आलू को मीडियम फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। आलू गोल्डन कलर के हो गए हैं, इन्हें एक प्लेट में निकालेंगे। इसी तेल में 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सरसों डालेंगे, 1 पिंच हींग डालेंगे, कटी हुई 2 हरी मिर्च डालेंगे, कद्दूकस की हुई 1/2 चम्मच अदरक डालेंगे। लो फ्लेम पे हल्का सा भूनेंगे। अगर आप प्याज और लहसुन डालना चाहते हैं तो इसी स्टेज में बारीक कटी हुई प्याज और लहसुन को डालें और फिर भून लें। कट की हुई बीन्स डालेंगे, मिक्स करेंगे। बीन्स को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, फ्राई किए हुए आलू डालेंगे, मिक्स करेंगे। मसाले डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करेंगे। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, इसे भी मिक्स करेंगे। सब्जी को 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। 5 से 6 मिनट हो गए हैं, सब्जी को एक बार चला लेंगे। अब हम इसमें 1/2 चम्मच आमचूर पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे, मिक्स करेंगे। सब्जी को लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चला लेंगे। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, मिक्स करेंगे। सब्जी बनके तैयार है, गैस को बंद करेंगे और इसे सर्व करेंगे। तो लीजिए, झटपट से बनके तैयार है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बीन्स आलू की सब्जी। आप इसे पराठे, पूरी या फिर दाल चावल के साथ एज अ ड्राई सब्जी सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।